नेचर इंडिकेटर, नेचर इंडिकेटर क्या होते हैं? सबसे फर्स्ट इंडिकेटर है ये, तो ये होगा द इंडिकेटर, द इंडिकेटर्स विच आर ऑब्टेन्ड ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचर, ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचर दैट इज फ्रॉम द प्लांट्स और एनी अदर लिविंग सोर्सेस. प्लांट्स द इंडिकेटर्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचर दैट इज फ्रॉम द प्लांट्स, फ्लावर्स, फ्लावर्स भी हम दे सकते हैं, और एनी अदर, और एनी अदर लिविंग सोर्सेस. ठीक है, तो लिविंग सोर्सेस है फ्लावर से या प्लांट से, अगर हमें जो इंडिकेटर मिलते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? नेचुरल इंडिकेटर बोलेंगे. एग्जाम्पल में देखा जाए तो एग्जाम्पल में बहुत सारे हैं. यहाँ पे रेड कैबेज, रेड कैबेज लीव्स होता है. ठीक है, ये भी है. टर्मरिक है, टर्मरिक, ठीक है ना, हल्दी. और कलर्ड पेटल्स ऑफ फ्लावर है ना, कलर्ड पेटल्स ऑफ फ्लावर्स. और क्या हो सकता है? और इसमें आपका, आपको पता है कि लिटमस आता है ना, लिटमस पेपर या लिटमस, लिटमस सॉल्यूशन, सॉल्यूशन एटसेट्रा है ना, ये लिटमस सॉल्यूशन. तो ये सारे के सारे क्या है? नेचुरल है. ये सारे के सारे क्या है? नेचुरल है. तो ये आपको बस लर्न करना है कि जो हमें नेचर से मिलता है दैट इज फ्रॉम प्लांट से मिलता है या फ्लावर से मिलता है या और किसी लिविंग सोर्स से मिलता है, ऐसे इंडिकेटर को हम नेचर इंडिकेटर बोलते हैं. हमने यहाँ पे एग्जांपल दिया, इस एग्जांपल को लिख लो. इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है लिटमस, है ना, लिटमस सॉल्यूशन हो या लिटमस पेपर हो. इसको बनाया जाता है किससे? चलिए इसके बारे में जानते हैं. ये कई बार एनसीईआरटी में पूछा गया, एग्जाम्स में बहुत कॉमन टॉपिक है ये, इससे क्वेश्चंस आते हैं, ये आप नोट कर लो. तो हम लिटमस के बारे में जानते हैं. लिटमस सॉल्यूशन क्या होता है? लिटमस ये पूछा जाता है, लिटमस जो सॉल्यूशन होता है ये एक पर्पल डाई है. क्या है? पर्पल डाई है ना, ये पर्पल डाई से बनता है. और ये एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाता है? इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेंस. किससे एक्सट्रैक्ट किया गया इसको? लाइकेंस. लाइकेंस क्या होते हैं? इट इज ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन एल्गी एंड फंजाई, है ना. एल्गी और फंजाई, फंजाई के जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप से बनता है उसको हम लाइकेन बोलते हैं ना. तो लाइकेन से लिटमस सॉल्यूशन बनाया जाता है. ठीक है, तो ये आपको जानना पड़ेगा कि ये किससे ऑब्टेन किया जाता है लिटमस सॉल्यूशन को, तो लाइकेन. तो ये नेचुरल है, ये भी क्या है? नेचुरल है, ये आपको जानना है. अब यहाँ पे इस नेचुरल इंडिकेटर से हेल्प से, के हेल्प से हम क्या क्या जानते हैं यहाँ पे देखते हैं. तो सपोज हमें एसिड दे रखा है और बेस दे रखा है. ठीक है, एक जगह एसिड है और एक जगह बेस है. ठीक है, ये दो दे दिया यहाँ पे, एसिड और बेस. ओके, यहाँ पे मैंने लिख दिया रेड लिटमस पेपर और यहाँ पे रख दिया ब्लू लिटमस पेपर. ठीक है, रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर, ये दो चीज गिवन है. अब यहाँ पे हम जानते हैं जो रेड लिटमस पेपर होता है वो एसिड में कोई कलर चेंज नहीं करता है. ये कैसा रहेगा? एसिड के साथ ये रेड का रिमेन सेम, मतलब ये रेड ही कलर रहेगा, है ना. एसिड के साथ कोई कलर चेंज नहीं करेगा, लेकिन बेस के साथ जो रेड है वो क्या हो जाएगा? वो ब्लू हो जाएगा.
मीन्स जो बेस है वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है. हमने पहले ही डिस्कस किया था बेस में कि बेस क्या करता है, इट टर्न्स रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू, है ना. तो हम देखते हैं एसिड रेड को रेड में ही रखता है, कोई कलर चेंज नहीं करता है. नो चेंज इन कलर, हम यहाँ पे लिख सकते हैं नो चेंज, नो चेंज, ठीक है, नो चेंज इन कलर. और अब ब्लू की बात करते हैं, तो जो ब्लू लिटमस पेपर है वो क्या करता है, वो एसिड उसको रेड कर देता है. एसिड क्या कर देता है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है. और बेस ये कैसा रखता है, ये ब्लू ही रखता है. इसमें हमें नो चेंज देखने को मिलता है, नो चेंज क्या देखने को मिलता है, हमें कोई चेंज देखने को नहीं मिलता. तो ये है, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं कि एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड एंड बेस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू. अब सबसे बड़ी बात है, बहुत कंफ्यूजन भी होता है इसमें कि कौन रेड में कन्वर्ट करता है, कौन ब्लू में कन्वर्ट करता है. तो यहाँ पे एक ट्रिक है, उस ट्रिक को आप देखोगे तो आपको याद हो जाएगा. आप यहाँ पे देखो, वैसे भी नॉर्मली हम ऐसे पता कर सकते हैं कि जो एसिड होता है वो डेंजर होता है, है ना, डेंजरस होता है. एसिड डेंजरस होता है सबको पता है. और डेंजर का कलर क्या होता है, किस कलर से सिग्निफाई किया जाता है डेंजर को, तो रेड कलर को, है ना, रेड कलर से उसको सिग्निफाई किया जाता है. तो ये सिंपल है, जो एसिड होगा वो किस में कन्वर्ट करेगा, वो रेड में ही कन्वर्ट करेगा. ऐसे आप एक रिलेशन बना सकते हो, एसिड क्या होता है, डेंजरस होता है, तो डेंजर है वो हमारे लिए, तो डेंजर का कलर है रेड, ठीक है. ऐसे करके आप जान सकते हो कि एसिड किस में करेगा, रेड में, ठीक है. और दूसरा इजी क्या है, दूसरा इजी टॉपिक है, आप यहाँ पे एसिड देख रहे हो, एसिड का स्पेलिंग है ACID, एसिड के लास्ट में डी है और रेड के लास्ट में डी है, तो DD कॉम्बिनेशन बना लो. जहाँ पे DD कॉम्बिनेशन होगा वो एसिड क्या करेगा, रेड में, एसिड के लास्ट में डी है, रेड के लास्ट में DD, है ना. कॉम्बिनेशन ऐसे बना सकते हैं. बेस में हम क्या ले लेंगे, BB ले लेंगे, या लास्ट में EE ले लो, एक ही बात है ना. तो ये बी फॉर बेस, बी फॉर ब्लू, मतलब बेस क्या करता है, ब्लू में कन्वर्ट करता है. तो किसको कन्वर्ट करेगा, तो रेड को ब्लू में करेगा. और एसिड रेड में कन्वर्ट करता है तो किसको कन्वर्ट करेगा रेड में, वो ब्लू को रेड में कन्वर्ट करेगा. इसलिए यहाँ पे जो रेड लिटमस पेपर है, जो पहले से रेड है वो, उसमें कोई चेंज नहीं है, तो रेड ही रहेगा. लेकिन अगर कोई ब्लू है तो ब्लू को क्या कर देगा, एसिड रेड कर देगा. और बेस की बात करते हैं तो रेड को बेस क्या कर देगा, बी फॉर बेस, बी फॉर ब्लू, ब्लू में कन्वर्ट करेगा, है ना. रेड को ये कर देगा ब्लू में, और ब्लू को ब्लू में ही रहने देगा, कोई चेंज नहीं करेगा. तो एक ट्रिक है ये आप याद करने का, या तो आप DD कॉम्बिनेशन और BB कॉम्बिनेशन से लर्न करो, या आप ऐसे कर लो जैसे अभी मैंने बताया था कि जो डेंजर कलर होता है, जो एसिड होता है डेंजर होता है, डेंजरस होता है, तो डेंजर हो गया, तो डेंजर का कलर रेड है, तो रेड एसिड से कनेक्टेड है, ठीक है. तो इस टाइप से हम इसको लिंक कर सकते हैं, ठीक है. तो ये आप नोट कर लीजिए, ये हो गया हमारा नेचुरल इंडिकेटर. हम अगले टॉपिक पे आते हैं, दैट इज सिंथेटिक इंडिकेटर. ये सिंथेटिक इंडिकेटर क्या होता है, तो जो हम आर्टिफिशियली बनाते हैं, जो हम केमिकल के हेल्प से बनाते हैं, दैट इज, उसको हम क्या बोलते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर, ठीक है, जो हम केमिकल के हेल्प से बनाते हैं. चलिए हम पढ़ते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर्स, इंडिकेटर, ठीक है. तो क्या है ये, बेसिकली दीज आर केमिकल सब्सटेंस, ये केमिकल सब्सटेंस होते हैं, दीज आर केमिकल सब्सटेंसेस, ठीक है, विच इंडिकेट द एसिडिक एंड बेसिक नेचर, ठीक है. तो ये एक क्या है, एक केमिकल सब्सटेंस है, ठीक है. ये सारे ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो क्या करते हैं, बहुत टाइप के होते हैं, जो क्या करते हैं, हमें एसिडिक का बेसिक नेचर बताते हैं कि कौन एसिडिक बिहेवियर दिखा रहा है, कौन बेसिक बिहेवियर दिखा रहा है. तो चलिए इसके एग्जाम्पल को हम करते हैं, एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे इसके.
तो एग्जांपल्स में सबसे फेमस है इसमें एक है फिनोफेलिन, जो बार बार आता है फिनोफेलिन, और दूसरा है मिथाइल ऑरेंज। आपको एनसीईआरटी में इन दोनों के बारे में ही पढ़ना है, मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज फिनोफेलिन एंड नेक्स्ट वन इज मिथाइल ऑरेंज, इन्हीं दोनों के बारे में हमें एनसीईआरटी में पढ़ना है, और इसी से क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, नॉर्मली स्कूल के एग्जाम्स में तो आते ही रहते हैं ये, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी है। अब इसको कैसे पता करते, ये एसिडी का बेसिक चेंज कैसे लाते हैं भाई, तो हम देखते हैं यहाँ पे मैं एसिड रख देता हूँ और यहाँ पे बेस, ठीक है, दोनों का इफेक्ट हम देखते हैं, एक बार फिनोफेलिन में एक बार मिथाइल ऑरेंज में, ऐसे कर देते हैं, ठीक है। तो जो एसिड होता है फिनोफेलिन में, ये कलरलेस होता है, कोई भी चेंज दिखाता नहीं है इसमें, कोई कलर दिखता नहीं है, कलरलेस इन फिनोफेलिन। एसिड क्या होता है फिनोफेलिन के साथ कलरलेस होता है, लेकिन बेस के साथ ये पिंक दिखाता है, कैसे दिखाता है पिंक, ठीक है। और जो मिथाइल ऑरेंज होता है ये एसिड के साथ रेड कलर दिखाता है और बेस के साथ ये येलो दिखाता है, बस याद कर लो आप, ये बस आपको लर्न करके रखना है, इन्हीं दोनों का नाम याद करें, फिनोफेलिन और मिथाइल ऑरेंज। जो एसिड के साथ फिनोफेलिन वो क्या कलरलेस शो करता है, कोई कलर नहीं दिखाता है, और बेस के साथ ये पिंक हो जाता है फिनोफेलिन, और जो मिथाइल ऑरेंज होता है एसिड के साथ ये रेड कलर दिखाता है और बेस के साथ ये येलो दिखाता है, ठीक है। तो ये है आपका सिंथेटिक इंडिकेटर्स, यही दोनों आपको याद करके रखना है, दैट्स इट, ठीक है, आप इसको नोट कर लें पॉज करके। थर्ड हमारा टॉपिक क्या है, थर्ड है हमारा थर्ड वन इज ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर्स। क्या है थर्ड वन, ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर। ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर क्या होते हैं, ऑल्फैक्ट्री का मतलब होता है जो स्मेल से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं इसमें, तो थर्ड वन इज ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर। ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर क्या होते हैं, तो ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर्स में दीज आर सब्सटेंसेस which indicate the acidic and basic nature, acidic and basic nature of substance from the order or smell of the substance. तो olfactory indicators क्या होते हैं, olfactory indicator क्या, these are substances which indicate the acidic and basic नेचर ऑफ द सब्सटेंस फ्रॉम द ऑर्डर और स्मेल ऑफ द सब्सटेंस। ये जो भी सब्सटेंस हो गया जिसका तुम्हें एसिडिक और बेसिक नेचर निकालना है उसके स्मेल से पता चल जाता है कि वो एसिडिक नेचर है कि बेसिक नेचर है। इसका एग्जाम्पल बहुत फेमस एग्जाम्पल है, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया, डायरेक्ट एग्जाम में यही क्वेश्चन आया, गिव सम एग्जाम्पल ऑफ ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर्स, ये क्वेश्चन आ रखा है। इसको डिफाइन करने के लिए नहीं पूछा जाता, लेकिन आप याद कर लेना, जो ऐसे इंडिकेटर जो स्मेल से पता कर लेते हैं उसी को हम बोलते हैं। तो एग्जाम्पल्स क्या होंगे, इसके एग्जाम्पल्स होंगे आपका वनीला है, वनीला एसेंस, दूसरा है अनियन भी होता है प्याज, और एक है क्लोव्स लौंग, ठीक है, जो क्लोव्स होते हैं ना ये। तो ये तीन एग्जाम्पल्स आपको याद करने हैं, इस एग्जाम्पल ही डायरेक्ट पूछा जाता है। इसमें क्या होता है कि जो एसिड होता है एसिड के साथ, मतलब किसका, जैसे वनीला है तो वनीला का एसिड के साथ जो स्मेल होता है वो बढ़ जाता है, इसके साथ एसिड के साथ वनीला स्मेल दिखाता है ना, स्मेल फील कराता है हमें, ठीक है, उसका एक अजीब सा स्मेल होता है वो बढ़ जाता है स्मेल, लेकिन बेस के साथ ये कोई स्मेल नहीं दिखाता, बेस के साथ मिक्स करोगे तो कोई स्मेल नहीं दिखाता,
ठीक है, वैसे इनके साथ है, अनियन के साथ, क्लोव्स के साथ, कि एसिड के साथ जो स्मेल होगा उसका जो इफेक्ट होगा वो बढ़ जाता है, ज़्यादा वो स्मेली हो जाते हैं, लेकिन बेस के साथ इनका स्मेल कम हो जाता है, इनका ऑर्डर कम हो जाता है। ठीक है, तो ये है, आपको बस यही याद रखना है, एग्जाम्पल्स बेसिकली इसके एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में से तो कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, एक नंबर का, ये तो मान के चलो। अब तो 20 मार्क्स के एक एक क्वेश्चन आने वाले हैं, जो फर्स्ट जो सेट, मतलब पहला जो पेपर आप पार्ट, फर्स्ट पार्ट जो आप सॉल्व करोगे उसमें फर्स्ट 20 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब सेक्शन ए की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसमें एक नंबर में ये आ सकता है, आप इसको ध्यान से कर लें। ठीक है, बस ये याद कर लिया, हमने इंडिकेटर्स कर लिया, हमने देख लिया नेचुरल इंडिकेटर्स, सिंथेटिक और ऑल्फैक्टिव, तो ये तीनों इंडिकेटर्स के बारे में आपको जानना है, बहुत सिंपल है। ओके, ये आपने कर लिया, आप नोट कर लें आप इसको अपने नोटबुक में, मैं इसको रब कर रहा हूँ। हमारा जो अगला टॉपिक है आपको फुल टू एनसीईआरटी के हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं, आपका सारा का सारा टॉपिक क्लियर करूँगा मैं, हर एक टॉपिक वाइज हम लोग सब कुछ क्लियर करेंगे, एक भी टॉपिक छूटेगा नहीं। अगर हम आपने मेरी वीडियो देख ली तो समझ ली आपने एनसीईआरटी का एक एक लाइन भी पढ़ लिया। ठीक है।